फाइनली मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए महज एक नंबर होगा, मेरे लिए मेरी कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं। मेरे नीचे पैर नीचे घास आई थी, मुझे लगा गोबर आ गया, फिर मैंने फील किया नहीं मैं इंडिया में नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं करता हूँ सब खैर होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हूँ। वेलकम आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो सफ़र का जो आगाज़ है वो हो चुका है, मंजिल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अब 1 मिलियन का ख्वाब है ऐसे ही तो पूरा नहीं होगा, उसके लिए क्वालिटी और कंटेंट को बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए वक्त। फिलहाल ये तीनों अपने पास नहीं है, तो डेली कुछ बेकार अपलोड करने से बेहतर है कि हफ्ते में 2 अपलोड किया जाए और बेहतरीन किया जाए। तो अब से फोकस उसी पे होगा, क्वालिटी कंटेंट पे होगा। आज मैं अपना थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाऊंगा आपको कि जब रूम में लोग रहते थे और मौका नहीं मिल पाता था वीडियो बनाने का आसानी से, तो मैं कतर में कहाँ पे जाकर वीडियोस को बनाया करता था, कहाँ शूट किया करता था, किस तरह से शूट करता था। तो आज इस वीडियो में वही मैंने दिखाया है। जो इंटरेस्टेड है वो बने रहें, जो नहीं है वो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, बने रहें। मैंने यहाँ बैठ के कई वीडियोज़ बनाई हैं, और जो आप ये लाइट देख रहे हैं ना इस शॉप के बाहर, जब ये बंद हुआ करती तो लाइट अंदर जलती थी, जब ये बनी नहीं थी तो इसके बाहर मैं खड़ा होकर कई वीडियोज़ बनाया हूँ। जो भी सीन आप देख रहे हैं मेरे पीछे की, ये यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी रहती थी, तो यहाँ पर खड़े होकर मैंने थंबनेल के लिए काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। जो आप ये सीन देख रहे हैं, ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर न जाने कितनी बार मैं सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए आया था, सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए आता था और वीडियो शूट करके कुछ खा पी के निकल जाता था। हम हर बार ये सोचते हैं कि भैया मेहनत भी ना करनी पड़े और कामयाबी मिल जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर कामयाबी के पहले रुला देने वाली मेहनत होती है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अपनी प्यारी कंडीशन बताई है, दिखाई है, सोच लें उस कंडीशन में भी मैं आपको सिर्फ वो सीन दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। तकरीबन मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ और तकरीबन आधा किलोमीटर बाकी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और आधा किलोमीटर बाकी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मिलते हैं आगे। ये जो सीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बहुत वीडियोस शूट किए हैं, इस वाले पे यहाँ पे बैठ के, या उन तीनों में से जो आप सामने में दिख रहा है, इस वाले पे भी मैं बहुत बार बैठा हूँ। और अभी एक जगह और बची है जहाँ मैं शूट किया करता था, आगे चल के आप दिखा। अभी जो मेरे पीछे आप सीन देख रहे हैं वो है भैया वुडन बेकरी, है नहीं मतलब किसी ज़माने में रहा करती थी, तो वुडन बेकरी के इलाके में आया हूँ। और अब आप जो सीन देखने वाले हैं ये, यहाँ पर तो न जाने कितनी वीडियो मैंने बनाई है, आप बैक कैमरे से देखें, दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये बेंच देख सकते हैं, मैंने कई वीडियो यहाँ पे बैठ के बनाई है इस पर, और न जाने कितने थंबनेल यहाँ पे मैंने खड़े होके लिए हैं, अपोजिट साइड में खड़े होके ताकि लाइट शक्ल पे पड़े। और एक आध वीडियो तो मैंने यहाँ पे खड़े होके बनाई है, जब ये ओपन हुआ करती थी तब इसमें लाइटें काफ़ी अच्छी आती थी, तो काफ़ी फ़ायदा रहता था। यहाँ बेंच लगी होती थी पहले, तो मेरे पास जब रूम में जगह नहीं होती थी, लोग होते थे, तो फिर मैं ऐसी जगहों पर आता था और करीब 2 किलोमीटर चल के आता था और यहाँ पर वीडियोस बनाया करता था। घंटे से तकरीबन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और सिर्फ एक थंबनेल के लिए मैं अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ, लेकिन सही आई नहीं है यार, अब फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। आईफोन बेस्ट है लेकिन उतना बजट नहीं है, देंगे इंशाल्लाह वक्त हमारा भी आएगा। तो भैया मुझे आप लोगों से बैठ के बातें करनी है लेकिन जगह नहीं मिल पा रही है, मैं 2 किलोमीटर गया था, 2 किलोमीटर तकरीबन वापस आ चुका हूँ, तो आप अपनी मेन जगह पर चलते हैं जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है। बस लाइटिंग थोड़ी ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी काम चला हुआ है, तो वहीं चल के आपसे बातें करते हैं। लेकिन बातचीत से पहले अंडा लेना ज़रूरी है कि रूम वालों की फरमाइश है, तो हम आ चुके हैं एक बगाले में अंडा लेने। भाई पोछा मार रहे थे तो मैं बाहर ही खड़ा हो गया, इस तरह से ताकि तकलीफ ना हो यार। 13 भाई, वो आप मस्जिद देख रहे होंगे, वो जो पेड़ है उसके जस्ट नीचे खड़े होकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और अब फाइनली आ चुके अपनी मेन जगह पे। ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे बोर्ड है, इसके पीछे हम इसकी आड़ में कुछ इस तरह से ही खड़े होंगे। मैंने न जाने कितनी बार कितनी मरतबा वीडियोज़ बनाई है, मेरे नीचे पैर नीचे घास आई थी, मुझे लगा गोबर आ गया, फिर मैंने फील किया नहीं मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, और घर के पास आ चुका हूँ, वो सामने उस तरफ आप बेंच वगैरह देख रहे होंगे, तो हम वहाँ चल के आपसे बातें करते हैं। हाथ में अंडा है, वहाँ रखेंगे फिर आपसे बातें करेंगे। और ये सबसे बेस्ट जगह थी मेरी अब तक की, बहुत वीडियोज़ मैंने यहाँ बनाई है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि सामने यहाँ ट्रक है, वो बहुत आवाज़ कर रहा है, तो अब रूम में चलना पड़ेगा, देखते हैं माहौल क्या है, उसके बाद बातचीत होती है आपसे। भैया इस वीडियो में यही था, लोगों को लगता है कि ब्लॉगर की लाइफ बड़ी आसान होती है, ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कामयाबी से पहले की जो स्ट्रगल होता है वो भैया रुला देने वाला होता है। तो
यही कुछ था, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में टॉपिक के साथ। खैर, अस्सलाम वालेकुम।